सम्मान्य प्रधान दीनवान अब्दुल्ला राम जी, मोलासर प्रधान जाला राम जी, राम सिंह जी उपप्रधान, समस्त मंचस्थ अतिथि, बहुत ही सम्मानित पालोन गांव के बुजुर्ग माताएं बहने और युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दू आप लोगों ने कि आप लोग तो जोरदार स्वागत करियो और तेजो जी को मंदिर जगो बट मैं दर्शन करवाने गया के बाद लगातार डीजे और घोड़ी और ढेर आया। हालांकि मैं तो क्यों पाला डाल दिया लेकिन एक मिनट घोड़ी पर बैठो ये वास्ते इस स्वागत वास्ते आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बड़ो भारी अच्छा आज मैं आप लोगों के बीच में 27 तारीख में मेरे पिताजी डीडवाने के पूर्व विधायक श्री रूपाराम जी बुद्धि की मूर्ति अनावरण का जो प्रोग्राम है बिल्कुल निमंत्रण के बारे आप लोगों के बीच में आया। रूपाराम जी बुद्धि एक ज्ञान का व्यक्तित्व था जिनका कई बार लोग किया करे बुजुर्ग किया करे कि हाथी अजीत के हाथी के पास काम अर्जुन पटक के हाथी हिम्मत राज तो भी ही किस्म को प्रोग्राम आप लोग राज बागी इच्छा है आप लोगों के सहयोग हो आप लोगों के मानस हो कि आप बात को प्रोग्राम रखा जगह ने पूरे राजस्थान में मैसेज आवे कि भाई डीडवाना में बंदूक ने एक प्रोग्राम लियो और भी जिसको प्रोग्राम कठे ही नहीं भी प्रोग्राम के तहत आपने कांग्रेस का बड़ा सीनियर दिल्ली का नेता राजस्थान का नेता बटाई और वो मैसेज दिया कि आप लोगों को चुनाव है भी मैं कांग्रेस की बाहर आवे कांग्रेस के लोग मुझे सपोर्ट करे और कांग्रेस के समर्थन में जनमानस आवे। मैं ज्यादा बात नहीं कह पांच के विषय में एक या दो बात की चर्चा करनी चाहूं। मैं हरदम एक बात करता कि जनता की सेवा करवा को मौको मिले है और बी के माए कटे आप ला रहेगा तो आज जनता और ऊपर भगवान आपने माफ नहीं करेगा और बी भावना के तहत जतो भाव बनियो आपके जीवन में सगड़ा आ लोग आते हुए कि रूप जी जती भागा दौड़ कोई नहीं करते तो भागा दौड़ मैं भी भागा दौड़ ने उसको कर्म मानता कि वो आपने मौको मिलेड़ो है जतो कर सका जीवन में बतो ही कमरे में तो आज कठहर कटे अगर बाकी भागा दौड़ रही बाप जनता के वास्ते की काम करो रही हो तो भी को आपा की फर्ज चुका सका तो वो बाल सच्ची श्रद्धांजलि देवे लेकिन आपका ज्यादा से ज्यादा तादाद में ज्यादा से ज्यादा फर्ज इकट्ठा होगा। भी दिन अठाऊ जगी भी आप लोगों ने बसा की जल्दी जुड़ हुए आप लोग इतला करा दीजिए आप लोग बता दीजिए मैं व्यवस्था करा लेकिन आवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप लोग महिलाएं माताएं बहने बुजुर्ग युवा बच्चे जितने आए सबका स्वागत है। मेरी इच्छा है कि अभी डीडवाना मीटिंग हुई मैंने बोला भाई 70,00,000 आदमी इकट्ठे होने हैं तो फिर मेरे पास किसी का फोन आया बोला गलत क्यों बोल रहा है 1,00,000 आदमी करने एक लाख आदमी चेतन के ये तो है नहीं चेतन अकेला घूम के मैं अकेले फिर के दू आप लोगों की मेहनत रेवे लिए आप लोगों की शक्ति रेवे लिए कि प्रोग्राम में 1,00,000 की आप भीड़ करते और मैं आप लोगों ने एक चीज निवेदन करूं कि एक माए कटे आप बाहर लाने नहीं बुला बोला खाली डीडवाने का ही लोग रेवे डीडवाने में करनी है आप मारी जिम्मेदारी बात करा रहे हैं लेकिन आप लोगों की सेवा में बट हाजिर रहूं और आप लोग के भाई चेतन माने अत्या साधन अति बसा चाहिए मैं आप लोगों के वास्ते उपलब्ध रहूंगा।
मैंने चार बस चाहिए, मैं चार बुक कर दूं, आपको मैंने पांच बस चाहिए। अब आज नीमो दादा के पास आप भाई चार बस कर लिया, चार बस मतलब चार बसों की सवारियां कर लिया, आगे जो भी था वो बता दिया। तो पालोन बड्डो गांव है और बाबा को विशेष लगाव है, तो आपने अकाउंट मां कम कम आए कि निमोद या बाकी गांवों के ला रहे नहीं रहे, कम कम हजार आदमी आपने अकाउंट आना चाहिए। वो मारी आप लोगों को इंतजार है, हाथ जोड़ अरदास बात, क्योंकि आप लोगों के बीच में खड़ा तो कांग्रेस और भाजपा की भी करा। अब आ रानी साहिब आई तो मैं ला रहे बताओ कि जकी ये चमचम करके टेंट वाला ब्याह शादी में लाइट लटका है, 18 लाख रुपया की एक रात की लाइट का डीडवाड़े में टेंट रही है, 18 लाख रुपया खर्च किया खाली में लाइट लटका हुआ। तो मैं कोई अधिकारी बात करी और मैं क्यों लाइट भेजा लटकाई के साथ 18 लाख रुपया जीवा सरकार आ रहा, 18 लाख रुपया खर्च कर दिया खाली से रात में लाइट लगा। मैं क्यों 18 लाख रुपया से कोई गरीबा ने देता, कोई किसान ने देता तो कम कम कहीं कोई लोन की चिंता होती या कोई इंदिरा आवास बढ़ जाता गरीबा के भी की चिंता बनी, आने तो खाली चमचम दिखाई। वो जब पानी आयो जगह के नाव पर मैं लाइटर लगाई, मैं आप लोगों ने निवेदन करूं वो पानी कटे सेकेंड फेज को दे, फर्स्ट फेज के मायने फ्यूचर नागौर मेड़ता और डेगाना बर के पानी में देश लोग में की लगाए, देश लोग बताऊ एक कॉमन पाइपलाइन आवे देश लोग बताओ एक की लगा के पानी में उगार खाली बटन दबा था मीठो पानी आवा में आज भी 2 साल और लाग और वे 2 साल लगा बा को श्रेय अगर कोई नहीं जावे थी भाजपा ने ए लोग मेरा टेंडर कैंसिल करवाया और बी के बाद में डिले करियो लेट करियो और बी की वजह टाइम नहीं अब तक झूठा है। मैं खुलो कियो मैं क्यों कोई भी बयान को खंडन कर दे भाजपा के अगर पानी फर्स्ट फेज सेकंड फेज को आई है जो अपन मिलू चाहे तो वो है या फर्स्ट फेज को है कोई बात की नहीं। और आखिरकार मकराने में रानी साहिबा बोली कि पानी आवा में 2 साल लाग गए, अगर 2 साल लाग गए तो ठेके का उद्घाटन कर रहे हो, सरासर झूठ बोले। और झूठ बोलवा में मोदी बरतो या रानी बरती या यूनुस गांधी बता कोई नहीं कहा आगे वो आगे नंबर ले लिया है। यूनुस गांधी लाडनू फाटक को ले नागौर फाटक के बीच में सड़क बना दी और मैं जगह घर आ बाकी गंडा के बराबर सड़क ऊंचाई नहीं रही। मैं कोई नहीं तो सड़क तो आप ली चौकी की पर एक आई एक डामर की परत रखी जाती तो छोटा मोटा खाडा भी छुप जाता, लेकिन आने तो कहीं है कि ठंड पानी अब से पीछे के मायने कम कम 50 या 60 गांव घूम जाता डामर की सड़क हो, लेकिन भी मतलब नहीं खाली कमीशन चांदी पीछे को मारवा। ए यूनुस गांधी शुरू में आया तेरे एक पुरानी गाड़ी में घूमता और आज करोड़ करोड़ रुपया की गाड़िया के लिए घूमे। मैं आप पूछू थे कि हड़बार की तो कमाई हुई आई हुई लेकिन उससे कोई भी क्योंकि रानी साहिबा ने सबको बड़ो पेट ही बने और रानी साहिबा को तो फोटो पेट ही खानी। एक बार कोई बड़ा होटल का मालिक मिल गया, मैं क्यों साहब मैं अभी होटल में लिए थी जिसमें